IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पृष्ठ संख्या 34, पाठ 6, पार नजर के। यह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की मां और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। पृष्ठ संख्या 35। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कराने का मौका मिल गया था। मगर कहां? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। पृष्ठ संख्या 36। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है।
सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। पृष्ठ संख्या 37। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? पृष्ठ संख्या 38। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो एक वैज्ञानिक थे, वो बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें।
हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहां से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहां, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। पृष्ठ संख्या 39। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर कर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। पृष्ठ संख्या 40। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर, मराठी से अनुवाद रेखा देश पांडे। पृष्ठ संख्या 41। प्रश्न अभ्यास कहानी से। प्रश्न 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्षयान को किसने भेजा था और क्यों? प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निबटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? कहानी से आगे। 1, क, दिलीप एम साल्वी। ख, जयंत विष्णु नार्लिकर। ग, आइजक एसिमोव। घ, आर्थर क्लार्क।
यहाँ दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। 2, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है, या कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। अनुमान और कल्पना। 1, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। 2, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। पृष्ठ संख्या 42। भाषा की बात। 1, वार्तालाप शब्द वार्ता जमा आलाप के योग से बना है। यहां वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलाने से जो परिवर्तन हुआ है, उसे संधि कहते हैं। यहां लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। 2, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। 3, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। इन वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में सुनाई देता है। यहां दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। 4, यहां एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं। एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। आकर्षक, आकर्षण। प्रभाव, प्रभावशाली। प्रेरणा, प्रेरक। प्रतिभाशाली, प्रतिभा। पाठ समाप्त। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।